स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 आप लोग को सोशल साइंस में इसके पहले पीरियड में द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द डीआर कांगो के बारे में बताया गया था, जिसमें आप लोगों को लैंड एंड लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, फूड एंड क्रॉप्स के बारे में बताया गया था। आज आप लोग को जो पढ़ना है वाइल्ड लाइफ, डीआर कांगो के जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वह क्षेत्र कैसा था, लोकेशन क्या था, कौन जलवायु पाई जाती है, ये सब बताया गया था। तो आज आप लोग को इसका वाइल्ड लाइफ, वहाँ के लोगों का जीवन के बारे में पढ़ना है, वहाँ के लोगों को जीवन के बारे में जानना है, तो वहाँ के लोगों को जन मैंने वाइल्ड लाइफ के बारे में, वहाँ के लोगों का जंगली जीवन क्या है, वहाँ कौन कौन से जंगली जीव पाए जाते हैं वहाँ के। तो डीआर कांगो हैज वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल लाइफ, कहा जाता है कि डीआर कांगो जो है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, इसको शॉर्ट में हम डीआर कांगो बोलते हैं, डीआर कांगो ही बोला जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। तो इसमें कहा गया है कि वहाँ डीआर कांगो में वहाँ एनिमल लाइफ जो है बहुत ही अलग अलग किस्म का है। वाइल्ड लाइफ इन डीआर कांगो इंक्लूड्स मंकी, जिसमें बंदर, एप जिसको हम लंगूर जानते हैं हिंदुस्तान में, भारत में चिंपांजी या भी एक बंदर का ही प्रजाति है, बबून्स, गोरिल्ला, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, हिपोपोटामस, पाइथॉन्स, राइनोसेरेस, एलिफेंट्स, एंटीलोप्स, टाइगर्स, लायंस, जगुआर्स, लियोपॉड्स, बिल्ड बुफैलोज, हाइना एंड जेब्रा। तो बच्चों, मैंने जितना तरह के जानवर का नाम दिया, यह सभी जानवर डीआर कांगो में पाए जाते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर बिगर देन इंडियन एलिफेंट्स, कहा जाता है अफ्रीकन हाथी भी डीआर कांगो के जंगलों में पाए जाते हैं। द ओकापी एक रेयर काइंड ऑफ जिराफ, वहाँ एक ओकापी जानवर है जो पाया जाता है, जो जिराफ जैसा होता है। एंड द कांगो पिकॉक आर फाउंड ओनली इन डीआर कांगो, डीआर कांगो का एक स्पेशल है जो पक्षी है जिसको कांगो पिकॉक के नाम से जानते हैं। द टेस्टी फ्लाई विथ स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस ए डेंजरस डिजीज इज ऑल्सो फाउंड हियर बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। डीआर कांगो इज ऑफ्टन कॉल्ड द जिग्नेटिक जू, डीआर कांगो को जिग्नेटिक जू कहा जाता है। मिनरल्स रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसके बाद है वहाँ कौन कौन से मिनरल्स हैं और रिसोर्स संसाधन है और इंडस्ट्रीज हैं। डीआर कांगो इज रिच इन मिनरल्स लाइक कॉपर, डीआर कांगो कॉपर का बहुत धनी देश है। टीन जिसको हम एल्युमिनियम बोलते हैं, गोल्ड, सोना, जिंक, आयरन, रेडियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड डायमंड्स। बच्चों देखिए, डीआर कांगो में कितना मिनरल्स पाए जाते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, कॉपर, टीन, गोल्ड, जिंक, आयरन, रेडियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड डायमंड्स, यह सब के सब इम्पोर्टेंट है, सब के सब महत्वपूर्ण है। अब सोचिए कि उस जहाँ डायमंड्स हो, जहाँ गोल्ड हो, जहाँ रेडियम हो, जहाँ यूरेनियम हो, जहाँ कॉपर हो, टीन हो, तो उस देश का आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। द कटंगा प्रोविंस ऑफ डीआर कांगो इज रिच इन डायमंड्स, कहता है कि डायमंड्स का एक वहाँ एक शहर है कटंगा, जहाँ हीरे का सबसे अधिक खदान है, मतलब सबसे अधिक डीआर कांगो में हीरा का उत्पादन कटंगा में ही होता है। डीआर कांगो इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स एंड कोबाल्ट, ए फ्यू इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, कहा जाता है वहाँ कुछ उद्योग भी हैं जैसे टेक्सटाइल उद्योग, केमिकल्स, सॉप, सीमेंट, पेपर एंड टोबैको आर फाउंड इन द सिटी, ये सब बड़े बड़े शहरों में, वहाँ के शहरों में पाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज मिलते हैं। उसके बाद है वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स पानी का उत्पादन वहाँ कैसे है, पानी का क्या वहाँ स्थिति है। डीआर कांगो इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर गुड, बट
इट्स वाटर रिसोर्स आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड. द कांगो रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर द नील. कहा जाता है कि वहाँ पानी का कोई कमी नहीं है, वहाँ पानी का बहुत विश्व संसाधन है. डीआर कांगो में एक नदी है जिसका नाम है द कांगो रिवर. उन्हें वहाँ का नदी का भी नाम है कांगो रिवर, जो अफ्रीका महादेश के में नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है. तो बच्चों, अफ्रीका का दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम कांगो रिवर है. ए फ्यू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैव ऑलरेडी बीन बिल्ट ओवर द कांगो रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ए बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट इन लंगा फॉल्स ऑन द कांगो रिवर. कांगो रिवर में बिजली उत्पादन का भी, मतलब विद्युत जल शक्ति परियोजना भी है. कहता है नेबरिंग कंट्रीज लाइक जम्बिया, अंगोला एंड बुरुंडी, सम ऑफ द वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन. कहा जाता है कि डीआर कांगो के पड़ोसी देश जम्बिया, अंगोला एंड बुरुंडी जो है, ये सब देश भी पानी डीआर कांगो से ही प्राप्त करता है. मतलब डीआर कांगो ही ये सब देशों को पानी देता है जिससे वहाँ के लोग इरीगेशन सिंचाई करते हैं. उसके बाद है लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल. ए सर्वे कंडक्टेड इन 2015 एस्टिमेटेड द पॉपुलेशन ऑफ डियर कांगो एट 75 मिलियन. कहा जाता है 2015 में वहाँ का सर्वे हुआ था जिसमें वहाँ की आबादी 75 मिलियन बताया गया है. द कांगो रिवर बेसिन इज डेंसली पॉपुलेटेड. कांगो रिवर मैंने जहाँ से कांगो नदी गुजरी है उसके अगल बगल का जो क्षेत्र है वह जनसंख्या के दृष्टि से बहुत घना क्षेत्र है. मोस्ट ऑफ द पीपुल हेयर आर क्रिश्चियंस. कांगो में रहने वाले अधिकांश लोग क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं. द पीपुल ऑफ डीआर कांगो आर क्वाइट टॉल एंड वेल बिल्ट. ए अकाउंट ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. पीपुल जनरली डू नॉट वियर मेनी क्लोथेस. दिस एक्सप्लेन्स देयर डार्क कम्प्लेक्शन. दे हैव कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट एंड कर्ली हेयर. कहा जाता है कि वहाँ के लोग जो हैं देखने में काला आदिवासी के तरह जंगली, मैंने उतनी अच्छे नहीं, काले काले लोग जिसे किताब में आप अपना फिगर में देख सकते हैं. वो लोग कपड़ा पहनते हैं, हर तरह के कपड़ा नहीं पहनते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपुल लाइव इन अ स्मॉल विलेज. वहाँ के अधिकांश लोग छोटे छोटे गाँव में रहते हैं. दे आर डिवाइडेड इन टू सेवरल ट्राइब्स. वे लोग आपस में बहुत अनेक जनजाति में बटे हुए हैं. मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू द बंटू ट्राइब. वहाँ एक बंटू जनजाति के लोग हैं जो डीआर कांगो के प्रमुख लोग हैं, बंटू. इट इज द लार्जेस्ट रेशियल ग्रुप इन डीआर कांगो. बंटू समुदाय जो है डीआर कांगो का सबसे बड़ा समुदाय है. दे लिव इन अ स्मॉल विलेज अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स. डीआर कांगो के लोग ज्यादातर नदी के किनारे और झील के किनारे रहते हैं. पीपुल लिविंग इन विलेज फॉलो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग. बियर्स द सिटी पीपुल बियर मॉडर्न क्लोथेस एंड लाइव इन कॉन्क्रीट हाउस. कहता है कि अब वहाँ के लोगों का भी जीवन जो है बदल रहा है, मॉडर्न हो रहा है. क्लोथेस कपड़ा वगैरह पहनने की शैली बदली है. कंक्रीट मैंने कंक्रीट के घर में वो लोग रहते हैं, अब रहने लगे हैं. इन द सिटी एडुकेशन इज ऑल्सो स्प्रेडिंग वाइडली. न्यू स्कूल्स एंड कॉलेज आर बींग ओपेंड. मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग एबोर्टेड फॉर हायर एजुकेशन. अब वर्तमान समय में डी आर कांगो में न्यू स्कूल कॉलेज बहुत से खुले हैं. बहुत से स्टूडेंट्स अब वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं, जनजाति लोग भी स्कूल वगैरह जाने लगे हैं और हायर एजुकेशन मैंने उच्च शिक्षा के प्रति भी आगे बढ़े हैं. इन द डीपर फॉरेस्ट ऑफ डी आर कांगो लिव्स इन प्रीमिक ट्राइब इज कॉल्ड पिग्मीज. कहा जाता है कि डीआर कांगो का सबसे बड़ा एक समुदाय है, जनजाति समुदाय है जिसको पिग्मी कहते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज बंगूती, जिसको बंगूती के नाम से भी जानते हैं. देयर आर ऑफशोर स्ट्रक्चर विथ हाइट ऑफ अबाउट 1.5 मीटर्स. दे आर गुड हंटर्स. वहाँ के लोगों का लंबाई 1.5 मीटर्स होते हैं. वे लोग पेशा से शिकारी होते हैं. दे लीड ए नोमेडिक लाइफ एंड
कॉन्स्टिट्यूशनली मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, उनका काम है भोजन के खोज में इधर उधर घूमना। दे मेक अ स्मॉल राउंड हट्स यूजिंग लीव्स ब्रांचेज एंड ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, वे लोग जंगल से जुड़े हुए काम में करते हैं, उसके पत्ते तोड़ते हैं, ब्रांच शाखाएं और पेड़ पौधे से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए रहते हैं। दे डू नॉट ग्रो क्रॉप्स, वे लोग फसल नहीं उत्पादन करते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंट सिटी, किन्शासा इज द कैपिटल एंड द बिगेस्ट सिटी ऑफ डीआर कांगो। किन्शासा डीआर कांगो का सबसे बड़ा शहर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राजधानी है किन्शासा। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कांगो। किन्शासा शहर कांगो रिवर के किनारे अवस्थित है। मतादी एंड कटंगा आर अदर इम्पोर्टेंट सिटी। किन्शासा के अलावे मतादी और कटंगा वहाँ का अदर प्रमुख शहर है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद है वहाँ के लोगों का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात और संचार का क्या साधन है। डीआर कांगो वाज नॉट एज डेवलप्ड एज अदर नेबरिंग कंट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेंस फॉरेस्ट। कहा जाता है कि वहाँ के लोगों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना पहले था। इसका कारण है वहाँ मैदानी क्षेत्र है, वहाँ का जो क्षेत्र है वह प्रमुख रूप से जंगली इलाका है, वहाँ जंगल अधिक है। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स रेलवे एंड रोडवेज हैव डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली एल्थाउ वाटर ट्रांसपोर्ट इज बीटल इन डीआर कांगो। द रिवर कांगो इज नेविगेबल ओनली इन पार्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटरफॉल्स लाइक स्टेनली फॉल्स एंड द लंगा फॉल्स। कहा जाता है कि वहाँ के लोग अभी ट्रांसपोर्ट का विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ रेलवे और रोडवे मतलब रेल मार्ग और सड़क मार्ग का विकास प्रारंभ हुआ है। वाटर ट्रांसपोर्ट, वहाँ कुछ जल मार्ग का भी साधन है जो पानी में मतलब स्टीमर वगैरह चलते हैं। द रिवर कांगो जो है वह वहाँ का सबसे प्रमुख नदी है, उसमें वाटर फॉल्स भी है लाइक वहाँ कुछ वाटर फॉल्स झरने भी हैं लाइक स्टेनली फॉल्स और लंगा फॉल्स। स्टेनली फॉल्स और लंगा फॉल्स वहाँ का दो प्रमुख वाटर लेक है। उसके बाद है मतादी इज द बिगेस्ट सीपोर्ट। मतादी डीआर कांगो का बहुत बड़ा सी पोर्ट है। एंड किन्शासा इज एन इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट, और किन्शासा जो शहर है वह डीआर कांगो का इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट है, नदी पत्तन है। पोर्ट उसको कहते हैं जहाँ जल मार्ग के द्वारा आने वाला स्टीमर वगैरह जहाज वगैरह लगता है, इसको हम पत्तन भी बोलते हैं। देस पोर्ट्स आर लिंकेड विथ द मेन माइनिंग एरिया। यह जो पोर्ट है वहाँ का जो माइनिंग एरिया है, वहाँ का जो खनिज प्रधान जगह है, उससे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, आप लोगों को डीआर कांगो के बारे में बताया गया, ध्यान देना है। इंडिया वी कैन रीच मतादी फ्रॉम मुंबई बाई शिप थ्राउ द इंडियन ओशियन वाया द केप रूट ट्रेवलिंग अलॉन्ग द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। बच्चों ध्यान देना है, मतादी जो वहाँ का सी पोर्ट है वह आपके भारत के मुंबई से जुड़ा हुआ है, जो केप रूट होते हुए आप मैंने मुंबई से मतादी जा सकते हैं, मतादी से मुंबई आ सकते हैं जो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। तो आप लोग को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में बताया गया। ये लेसन आप लोग का समाप्त हो गया है, इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव भेजा जाएगा, मीनिंग भेजा गया है, इसके पहले में भेजा जाएगा। ए बी सी डी बनाना है आप लोगों को, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर इसका पहले आप लोग को क्वेश्चन बनाना है, इसका क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड होगा, मीनिंग भी प्रोवाइड होगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ना है। तो बच्चों के लिए कामों के बारे में आप लोग को घर पर थोड़ा अध्ययन करना है और समझना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।